मेरी एस्टेट जल रही है, ऐसा कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को, ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप वहाँ की फोटेज देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई वॉर चल रहा है। वहाँ की सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया जिसके कारण गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 लगाकर वहाँ के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में लेना पड़ा। फिर वहाँ के सारे इंटरनेट को बंद कर कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पर हम फिर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। द मणिपुर गवर्नमेंट इशूड शूट एट साइट ऑर्डर्स लास्ट नाइट। मणिपुर में ऐसा क्या हुआ वो जानने से पहले क्यों हुआ वो जानेंगे। तो इसके पीछे दो मेनली कारण है। वहाँ दो रीजन रहते हैं, पहला मैथिली और दूसरा नागा और कुकीज। कुकीज और नागा ट्रैवल लोग है, यानी कि उन लोगों का एक जगह बसेरा नहीं होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। 90% जमीन पर 35% आबादी के साथ रहता है। और दूसरी ओर आता है मैथिली जो 10% जमीन पर 65% आबादी के साथ रहता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि फरवरी माह 2023 में कि मणिपुर का मुख्यमंत्री श्री एन वीरेन सिंह ने एक फैसला लिया, मणिपुर के पहाड़ों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने डिसीजन लिया कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों को हटा दिया जाए, यानी पहाड़ों पर रहने वाले कुकीज और नागा को बिना नोटिस दिए वहाँ से हटा दिया गया, उन लोगों के गाँव को तहस नहस कर दिया गया। जिसके कारण मुख्यमंत्री के इस फैसले से नागा और कुकीज संतुष्ट नहीं थे और फ्रस्ट्रेट थे। ये था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि मैथिली चाहते हैं कि वे अनुसूचित जाति यानी एसटी में शामिल हो जाए। For our survival, we want to survive in our ancestral land. That is the most important point. लेकिन कुकीज और नागा ये नहीं चाहते कि मैथिली जो है वो एसटी कम्युनिटी में शामिल हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैथिली का जो पॉपुलेशन है जिसके कारण वहाँ के एमएलए 60 MLA में से 40 MLA जो है मैथिली है और 20 MLA में से नागा और कुकीज है। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइजेस ऑफ 60 MLAs, आउट ऑफ व्हिच ओनली 20 आर रिप्रेजेंटिंग द ट्राइबल्स। और कि वहां का जो सीएम है वो मैथिली कम्युनिटी का ही है, इसी कारण इन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है। और अगर इन्हें अनुसूचित जाति में अगर शामिल कर दिया जाए वे आरक्षण के कारण वे जॉब के लिए और स्ट्रगल करना पड़ेगा नागा और कुकीज को, इसलिए वो लोग चाहते नहीं मैथिली जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जाति में शामिल हो जाए। लेकिन 3 मई को कोर्ट ने फाइल को आगे पहुंचाया गया कि फैसला किया गया कि मैथिली को अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। मणिपुर हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू सबमिट अ रिकमेंडेशंस टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेटेज इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। जिसके कारण कुकीज और नागा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे, और प्रोटेस्ट में नागा और कुकीज की महिलाओं पर मैथिली के लोगों ने हमला किया। इसलिए नागा और कुकीज जो है और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उन लोगों पर हमला करने लगे, जिसके कारण ये दंगा हो गया। ये दंगा इतना क्रिटिकल हो गया कि इसमें 60 लोगों की मृत्यु, 263 लोग घायल हो गए। लेकिन अब इसको रोकने के लिए सरकार ने पूरी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएं कि नागा और कुकीज जो कर रहे हैं सही है या गलत, कि मैथिलीज ने किया वो सही है, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।